सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। भोपाल में कमलनाथ वांटेड के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर्स पर QR कोड भी दिए हैं। इस पर लिखा है स्कैम से बचने के लिए स्कैन करें। पोस्टर्स में पूर्व CM कमलनाथ को करप्शन नाथ लिखा गया है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार का जिक्र कर घोटाले की बात बताई गई। शुक्रवार को मामला सामने आते ही कांग्रेस BJP पर हमलावर हो गई। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा अपना वास्तविक चरित्र दिखाने लगी। हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन ले, अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो यह साफ हो जाएगा। ये बस उनके इशारे पर हुआ है। पोस्टर्स भोपाल में शाहपुरा मनीषा मार्केट शैतान सिंह चौराहे पर लगाए गए। इन पोस्टर्स पर पूछा गया है 25,000 करोड़ का किसान कर्ज माफी घोटाला, 2400 करोड़ का हेलीकॉप्टर घोटाला, 1178 करोड़ का गेहूं बोनस घोटाला और 600 करोड़ का खाद घोटाला, 350 करोड़ का CD घोटाला, 1963 करोड़ का मोबाइल घोटाला किसने किया? इनके आगे करप्शन नाथ लिखा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, 47 साल के राजनैतिक जीवन में मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। आज ये पोस्टर लगा रहे हैं। भाजपा का एक एक नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई भ्रष्टाचार तब तक नहीं हो सकता जब तक मुख्यमंत्री खुद उसमें भागीदार न हो। इन्होंने पंचायत से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार का सिस्टम बनाया हुआ है। आज इनके पास मेरे लिए कुछ कहने को बचा नहीं। जनता मेरी गवाह है, मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भाजपा के दावे की यह कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। इस पर कमलनाथ ने कहा कि ये सफाई क्यों देना चाह रहे हैं, कहे कि हमने लगाए हैं। कहे कमलनाथ भ्रष्टाचारी, जनता फैसला करेगी। पोस्टर्स पर BJP प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती, हर चीज BJP पर क्यों डाली जाती है, BJP का इससे कोई लेना देना नहीं। किसने ये किया होगा ये तो कमलनाथ जी बता सकते हैं, लेकिन ये पक्का है कि किसी पर इस प्रकार की टैग लगने का अर्थ है कि आप करप्ट नाथ, आपने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोया था। इसका जवाब कमलनाथ को देना चाहिए कि वे करप्ट नाथ या नहीं। कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बवेले ने ट्वीट कर कहा, मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि अपनी ओर से कार्रवाई करते हुए ऐसे पोस्टर लगाने वालों को गिरफ्तार कर और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर वे ऐसा करने में विफल होते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट हो जाएगा कि यह सब काम उनके इशारे पर हो रहा है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।